दोस्तों आरबीआई ने कुछ ऐसा काम किया है जो कि बहुत ही बढ़िया काम आप बोल सकते हो। यहाँ पर सभी डिफॉल्टर्स के लिए एक बहुत ही अच्छा जो है एक न्यूज़ हो सकता है। तो यहाँ पर आप सभी के लिए, यहाँ पर जो भी आप लोग डिफॉल्टर हो, आपको ये काम में आने वाला है। वीडियो पूरा एंड तक देखिए। टाइटल और थंबनेल में आप लोगों ने देखा कि आरबीआई का जो है ये एक बहुत बड़ा फैसला है जो कि सभी डिफॉल्टर्स के लिए एक आप लोग बोल सकते हो आप लोगों को एक ब्रह्मास्त्र दे दिया है जो कि आप लोगों को काम में लाना है। आज आप लोगों को सारा कुछ डिटेल वाइज समझाने वाला हूँ कि आखिर यहाँ पर क्या वो चीज़ आरबीआई ने आप लोगों के लिए लाया है, वो आप लोगों को बताने वाला हूँ। वीडियो पूरा एंड तक देखिए बिना स्किप किए हुए। अगर आप लोग नए हो, अभी तक सब्सक्राइब बटन प्रेस नहीं किए हो, तो सब्सक्राइब बटन प्रेस करके बेल आइकन को जरूर जरूर प्रेस करें। इससे क्या होगा, जो भी लोन रिलेटेड इन्फॉर्मेशन आप लोगों के साथ शेयर करूँगा इंस्टेंटली आपको नोटिफिकेशन में मिल जाएगा। दोस्तों मेरा एक टेलीग्राम चैनल है, 5000 का सब्सक्राइबर है वहाँ पर ऑलरेडी हो चुका है। आप लोग जितने भी लोग नए हो अभी तक फॉलो नहीं किए हो, तो डिस्क्रिप्शन में जो भी है लिंक दिया हुआ है, आप लोग जाके वहाँ पर डायरेक्टली ज्वाइन कर सकते हो। जो भी चीज़ें मैं वीडियोस के थ्रू बता नहीं पाता हूँ वो मैं आप लोगों को टेलीग्राम के थ्रू बता दूंगा, आप लोग वहाँ पर जाके ज्वाइन कर सकते हो, ठीक है। तो दोस्तों यहाँ पर आरबीआई ने ऐसा क्या किया जो कि आप लोगों को बहुत ज़्यादा काम में आने वाला है, ठीक है। ये पहली बार जो है आरबीआई आप लोगों के लिए इतना बढ़िया काम किया है, नहीं तो आप लोगों को देखने को मिलता है कि भाई आरबीआई जो भी है बैंक को इतना पैसा के थ्रू जो है सपोर्ट कर रहा है, एनबीएफसीज को इतना सपोर्ट कर रहा है, लेकिन बोरोवर्स के लिए सिर्फ गाइडलाइंस ही ला रहा है, यहाँ पर इससे ज़्यादा कुछ नहीं हो रहा है। लेकिन आज कुछ ऐसा ही चीज़ें आप लोगों के साथ शेयर करूँगा कि आरबीआई ने ऐसा कुछ शेयर किया है, आप लोगों को कुछ ऐसा परमिशन दिया है जिसके थ्रू आप लोग बहुत आसानी से जो है ये सब जो भी परेशानियाँ आप झेल रहे हो उसे आप निकल सकते हो। देखिए दोस्तों, सबसे पहला जो गाइडलाइंस, मतलब गाइडलाइंस नहीं बोल सकते, ये जो भी है यहाँ पर आरबीआई ने आप लोगों के लिए यहाँ पर लाया है, ये सब चीज़ें जो भी लाया है, सबसे पहला जो है यहाँ पर आरबीआई से आप कांटेक्ट कैसे करोगे। अगर मानो आप लोगों को कोई भी एनबीएफसी, कोई भी बैंक, कोई भी रिकवरी एजेंट्स आप लोगों को परेशान कर रहा है, आप लोगों को लग रहा है कि ये परेशान कर रहा है, यहाँ पर यहाँ किसी को तो कंप्लेंट करना है। अब कंप्लेंट करने के लिए यहाँ पर किसी का तो हेड होता है, तो आरबीआई यहाँ पर हेड है, बैंक का भी हेड है आरबीआई, ठीक है। आरबीआई जो भी है इसके अंडर ये लोग काम करते हैं, जैसे कि बैंक, ठीक है, एनबीएफसीज और ये रिकवरी एजेंट्स, तो इनके ऊपर जो है ये बैठा हुआ है। अगर कोई भी ये लोग दिक्कत करता है बोरोवर्स को, ठीक है, तो यहाँ पर आरबीआई को कंप्लेंट आप कर सकते हो, आरबीआई इन लोगों को देखेगा, ठीक है। तो ये चीज़ सिंपल सा हो गया। अब आरबीआई ने पहले ऐसा कुछ नहीं गाइडेंस, मतलब ऐसा कुछ भी आप लोगों के लिए नहीं किया था, लेकिन अभी के टाइम में कुछ ऐसा ही हुआ है जो कि आप लोगों को बताने वाला हूँ। देखिए सबसे पहला जो है आप लोगों के लिए एक टोल फ्री नंबर जारी किया है, ठीक है, टोल फ्री नंबर। अब ये टोल फ्री नंबर कौन सा है, दो नंबर है, एक है 1-444-0 जिसमें आप लोग मिस्ड कॉल दे सकते हो यहाँ पर, ठीक है। मिस्ड कॉल देने पर आप लोगों को कॉल घूम के आएगा, ठीक है, आपके फ़ोन में कॉल आएगा और आप लोग उनसे बात कर सकते हो। आरबीआई के एजेंट रहेगा उसमें, ठीक है, आरबीआई के एजेंट आप लोग समझ सकते हो, आरबीआई के एजेंट से आप डायरेक्टली बात कर सकते हो। मानो कि आप मेल के थ्रू बात कर रहे हो लेकिन आपको कोई भी सेटिस्फाइड जो भी है कोई भी रिप्लाई नहीं मिल रहा है, या फिर जो भी रिप्लाई आ रहा है उसमें आप लोगों को समझ में नहीं आ रहा है। इसीलिए क्या किया कि भाई कुछ अपने मन में जो है थोड़ा सा शांति लाने के लिए यहाँ पर आरबीआई ने क्या किया, एजेंट्स लाया, हायर किया है। अब एजेंट्स हायर मतलब क्या है, यहाँ पर सिर्फ कॉलिंग के थ्रू एजेंट्स आएगा, आप लोग इसमें कॉल करोगे एजेंट से, आप डायरेक्टली बात करोगे तो आपके मन के अंदर जो भी डर है वो खत्म कर देगा एजेंट्स वाले, ठीक है। मतलब जो भी परेशानियाँ हैं वो आप लोगों वहाँ पर बोल सकते हो डायरेक्टली, तो वो लोग बता देगा कि आपको करना क्या है, सिंपल सी प्रोसीजर। तो इसका जो नंबर है वो है 1-444-0 जिसमें मिस्ड कॉल करना है, ठीक है, मिस्ड कॉल आपको यहाँ पर कॉल करना नहीं है, मिस्ड कॉल करना है, वो फ़ोन आपके पास आएगा कुछ मिनटों के अंदर, फ़ोन आ जाएगा वापस। दूसरा जो नंबर है वो है आरबीआई का एक गाइडलाइंस नंबर है जिसका नंबर है 1-444-8, ये जो है आप लोग हेल्पलाइन नंबर बोल सकते हो, ठीक है, हेल्पलाइन नंबर आप लोग ध्यान से इसको नोट कर लो, या फिर ये वीडियो जो है आप सेव कर सकते हो, बाद में आपको दिक्कत आएगा तो आप इसको वीडियो ले करके आप देख सकते हो, ठीक है। तो ये हो गया एक, आप डायरेक्टली फ़ोन कर सकते हो, ठीक है। इसका जो भी है टाइमिंग मैं आप लोगों को बता देता हूँ, सुबह को 9 बजे से, ठीक है, सुबह को 9 बजे से शाम के 5:15 तक जो है यहाँ पर ओपन रहता है, ठीक है। हॉलीडेज अगर होगा तो आप लोगों को वहाँ पर कॉल देखने को नहीं मिलेगा, आप लोग वहाँ पर कॉल नहीं कर सकते हॉलीडेज, या फिर जो भी है संडे, सैटरडे का टाइम शायद हो सकता है यहाँ पर, लेकिन संडे या फिर हॉलीडेज जो है काम नहीं करता है, ठीक है। तो मंडे टू फ्राइडे आप लोग कोई भी टाइम आप उसके कॉल कर सकते हो, ठीक है, मंडे टू फ्राइडे। अब यहाँ पर जो भी है इसका अल्टरनेटिव 1-444-8 का अल्टरनेटिव है इसका मेल आईडी जिसका है crpc@rbi.org.in, ठीक है, ये आरबीआई है, इसको
सही से कर लेता हूँ, RBI, ठीक है। तो ये हो गया इसका मेल आईडी। आप अगर कोई भी कंप्लेंट करना चाहते हो, ठीक है, आपके मन के अंदर जो भी है, यहाँ पर आप कंप्लेंट लग रहा है कि हाँ यहाँ पर ये सब गलत काम हो रहे हैं, कंप्लेंट करना है, तो ये जो है ये RBI का ऑफिशियल कंप्लेंट मतलब ईमेल आईडी है, इसमें जाके आप डायरेक्टली कंप्लेंट कर सकते हो, ठीक है, या फिर आप इस नंबर पे आप कॉल कर सकते हो। तो ये हो गया यहाँ पर एक, और एक चीज़ यहाँ पर मानो आप लोगों को रिकवरी एजेंट्स परेशान कर रहे हैं, NBFCs वाले परेशान कर रहे हैं, ठीक है, या फिर बैंक्स वाले परेशान कर रहे हैं, ये उन्हीं लोगों के लिए है ये चीज़। तो यहाँ पर आप लोगों को जो नंबर दिया गया है 1444 01 4448 और crpc@rbi.org.in, तो ये जो भी है यहाँ पर आप कंप्लेंट कर सकते हो। अब मानो RBI खुद यहाँ पर गलत काम कर रहे हैं, तो RBI का गलत काम कर रहे हैं, तो यहाँ पर RBI के ऊपर भी आप कंप्लेंट कर सकते हो। कोई भी डिपार्टमेंट अगर गलत काम कर रहे हैं तो वहाँ पर आप यहाँ पर कंप्लेंट कर सकते हो। ये ओवरऑल का कंप्लेंट जो भी है मेल आईडी है, ठीक है। अब यहाँ पर आप लोगों को मानो कि बैंक से या फिर NBFC से कोई परेशानी हो रहा है, आपने उसको मेल किया, ठीक है, आपने उनको मेल किया, कंपनी को मेल किया, कंपनी को मेल करते के बाद क्या हुआ, कंपनी ने कोई भी जवाब नहीं दिया, ठीक है, या फिर जवाब दिया भी तो आप लोगों को सेटिस्फेक्शन नहीं हुआ उस जवाब का। बहुत सारे ऐसे जवाब होता है कि सेटिस्फाई नहीं होते हो आप लोग उनसे टाइम मांगते हो कि आप मुझे 3 महीना 6 महीना टाइम दे दीजिए, लेकिन क्या करते हैं वो लोग, बोलते हैं नहीं आपको एक काम करो, आप 15 दिन का टाइम ले लो, 15 दिन, 6 महीना टाइम लगेगा, और आपको 15 दिन का टाइम देने से क्या आपका पैसा आपके पास आ जाएगा, आप क्या उनको पैसा दे दोगे, तो यहाँ पर दिक्कत आपको होता है। मानो कि यहाँ पर 30 दिन के बाद मेल कर दिया, 30 दिन का वेट करना होगा, ठीक है, मानो कि कोई रिप्लाई आया या फिर नहीं आया, 30 दिन का वेट करना होगा। 30 दिन के वेट करने के बाद आपको इस जगह पर जाके आपको कंप्लेंट दर्ज करना है, सही से लिख देता हूँ, cms.rbi.org.in, ठीक है, इसमें जाके आप कंप्लेंट कर सकते हो, लेकिन आपको 30 दिन कंप्लीट करना पड़ेगा मेल करने के बाद, ठीक है। तो वहाँ पर क्या होगा, RBI जो है अब खुद से एक्शन लेगा, यहाँ पर आपके साथ जो भी है ये लोग हैरेसमेंट कर रहे हैं, बात नहीं सुन रहे हैं, RBI यहाँ पर स्टेप्स लेगा, ठीक है, RBI स्टेप्स लेगा, और RBI जो है वहाँ पर उन NBFCs बैंक्स या फिर जो भी है परेशान कर रहे हैं आपको, उनको दिखेगा, ठीक है, आपके पास मेल आ जाएगा RBI की तरफ से कि हाँ मैंने यहाँ पर जो भी है इसको फॉरवर्ड कर दिया है, और आप लोगों को कोई भी दिक्कत आने वाला नहीं है अब से, ठीक है। इस तरीके का चीज़ें बहुत सारे लोगों ने अप्लाई भी किया है, ये एक बहुत बढ़िया काम किया है RBI ने। जैसे कि पहला जो है यहाँ पर आप लोगों को बताया 1440, जिसमें आपको मिस्ड कॉल देना है, ठीक है, मिस्ड कॉल करना है, फ़ोन आएगा आपके पास। दूसरा जो है यहाँ पर 1448 या फिर crpc@rbi.org.in, इसमें आप कंप्लेंट कर सकते हो, चाहे NBFC परेशान कर रहा है, ठीक है, चाहे बैंक आपको परेशान कर रहे हैं, एजेंट्स आपको परेशान कर रहे हैं, या फिर RBI का कोई भी डिपार्टमेंट जो है गलत काम कर रहे हैं, आप यहाँ पर कंप्लेंट कर सकते हो, ठीक है। तीसरा जो चीज़ है यहाँ पर, अगर मानो आप टाइम मांग रहे हो किसी भी NBFC से या फिर बैंक से, आपने मेल किया, ठीक है, मेल करने के बाद कोई भी जवाब नहीं आया या फिर जवाब आया तो भी आपको सेटिस्फाइड नहीं हुआ, 30 दिन आपको वेट करना होगा, cms.rbi.org.in, इसमें आपको कंप्लेंट करना होगा, ठीक है, डायरेक्टली आप कंप्लेंट कर सकते हो। तो RBI क्या करेगा, वो NBFCs, वो बैंक्स या फिर रिकवरी एजेंट्स का खैर मतलब जो भी है वहाँ पर देखेगा, इन्वेस्टिगेट करेगा। अब मानो RBI ने इन्वेस्टिगेट किया और वहाँ पर अगर आप प्रूफ, सही तरीके का प्रूफ वहाँ पर दे दिया, तो रिकवरी एजेंट्स का नौकरी भी यहाँ पर जाएगा, यहाँ पर बता दिया है, ठीक है, नौकरी भी जाएगा, रिकवरी एजेंट्स का नौकरी जाएगा, या फिर एजेंसीज जो भी है वो अगर गलत काम कर रहे हैं उसका एजेंसीज का लाइसेंस भी कैंसिल हो जाएगा। ये जो है RBI ने यहाँ पर जारी कर दिया है, तो आप लोगों को डरने की ज़रूरत नहीं है। ये जो भी है 2024 में ये ऑलमोस्ट ये चल रहा है अभी के टाइम में, लेकिन बहुत सारे लोगों को पता नहीं था, इसलिए मैंने आप लोगों को वीडियो के थ्रू बता दिया, ठीक है। आप लोगों को अब डरने की ज़रूरत नहीं है, बिंदास आप रहो, कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है, क्योंकि RBI कुछ भी करे यहाँ पर आप लोगों को सपोर्ट करता नहीं था, आप लोगों को लग रहा था, लेकिन RBI ने जो है आप ही लोगों के बारे में सोच के ये सब जो है किया है, आप लोगों को काम में आने वाला है ये सब चीज़ें जो भी हो रहा है अभी के टाइम में, ऐसा जो है नया नया चीज़ें ला रहे हैं। तो आई होप कि आप लोगों को वीडियो के थ्रू जो भी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड किया है काम में आएगा, जो भी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड किया वो अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो दोस्तों के साथ भी शेयर करें, लाइक करें वीडियो को, ठीक है, कमेंट भी जरूर करें अगर कोई भी दिक्कत होता है। दोस्तों तब तक के लिए चलते, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत दोस्तों।